हम वहां पर भी पहुंचेंगे। हेलो एंड व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो लोग मस्त मजे में होंगे। तो गाइस, सीन आज का कुछ ऐसा है कि हम माथेरन घूमने के लिए जा रहे हैं। माथेरन एक ऐसी जगह है जो मुंबई से थोड़ा सा बाहर हिल स्टेशन है, तो हम वहां पर घूमने जा रहे हैं। काम से थोड़ा सा ब्रेक लेके हम माथेरन घूमने के लिए जा रहे हैं। कल हमने प्लानिंग किया था कि जाएंगे, तो सोते सोते थोड़ा सा लेट हो गया, 2-3 बजे सोए हैं और अब 5 बजे ही उठे, तो इसलिए थोड़ा सा नींद में लग रहा हूँ मैं, कुछ बता नहीं पा रहा ज़्यादा चीज़ें। तो थोड़ी देर आगे बाहर निकलेंगे, फिर फ्रेश हवा लेके थोड़ा फ्रेश होंगे, फिर वहीं मिलेंगे। बने रहे वीडियो के लास्ट तक, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, अभी हम निकल चुके हैं अपने रूम से ऑटो में चढ़ के। तो अभी हम ऑटो में सिर्फ 2 ही लोग जा रहे हैं, शायद 5 लोग जा रहे हैं। तो अभी हम 2 लोग ही निकल रहे हैं, स्टेशन तक जा रहे हैं। सब लोग स्टेशन में फिर से मीटअप करेंगे और वहाँ से लोकल पकड़ के हम सीधा निकल जाएंगे। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं अंधेरी स्टेशन और हमारे टीम के मेंबर जो थे, हमारे टीम के लोग जो थे, वो अभी आए हैं नहीं, हिमांशी को लेने के लिए गए हैं। और पिछले वीडियो में हम यहाँ पर जम्मू किंग्स में बर्गर खा रहे थे, आज भी सोच के आए थे कि यहीं पर अंधेरी स्टेशन के जम्मू किंग्स में बर्गर खाएंगे, लेकिन ये बंद है। फिर भी हम साइड में चाय पियेंगे जहाँ हमने पहले पिया था। तो गाइस चलो चाय वाय पियेंगे, थोड़ी देर उनका इंतजार करेंगे और उसके बाद हम निकल चलेंगे लोकल पकड़ के। देखो बारिश होने वाला है गाइस, देखो बारिश का इंतजार कर रहे थे हम, बारिश होने वाला है, बस जैसा सोचा था वैसा जा रहा है, बस बारिश हो जाए, मस्त माहौल रोमांटिक सा हो जाए, मज़ा आ जाएगा गाइस। आप लोग बने रहे वीडियो के लास्ट तक, आप लोगों को सीन्स दिखाऊंगा कैसा सीन है वहाँ का माथेरन का। मैं अभी गया नहीं हूँ आज तक, आज पहली बार जा रहा हूँ। हिल स्टेशन है, पहाड़ी वो चढ़ेंगे, बारिश में भीगते हुए मज़े करेंगे गाइस। चलो हमारे टीम के माइकल जैक्सन बहुत ही खत्म पाया खुद। सो गाइस, नाउ वी आर हियर इन दादर स्टेशन, क्या बोलूं। तो गाइस, हम अभी दादर स्टेशन में आ चुके हैं। अंधेरी स्टेशन से हम दादर तक हम लोकल पकड़ के आए और यहाँ से फिर से लोकल पकड़ के हम जा रहे हैं नेलोर, कहाँ पर नहीं भूल गया यार, कहाँ तक जा रहे हैं नहीं डाल रहा। तो गाइस, खपोली तक हम जा रहे हैं यहाँ से, और वहाँ से उतर के फिर हम ऊपर की चढ़ाई करेंगे हिल स्टेशन की। तो उतर चुके हैं, बहुत गर्दी था, मैं बीच में बैठा था और नींद आ गई क्योंकि 2 घंटा ही सोया था रात में, हमें सो गया ट्रेन में। अरे यार आवाज आवाज आवाज। यहाँ से नेरल से टैक्सी लेके हमें माथेरनपुर तक जाना पड़ेगा क्योंकि लंबा रास्ता है, यहाँ से चल के नहीं जा सकते। अभी तक इतना खर्चा हुआ नहीं कुछ भी, हम यहाँ से टैक्सी का थोड़ा सा खर्चा हुआ, मैं आपको बता दूंगा क्या सीन है, क्या करना है, सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है गाइस। तो बने रही वीडियो में, टैक्सी में जा रहे हैं, अभी लेट हो रहा है गाइस, मिलते हैं टैक्सी में बैठ के निकल चुके हैं। माथेरन में हम उतर चुके हैं। आप लोगों को बता दूं टैक्सी का फेयर जो लगा नेरल से लेके माथेरन तक 500 रुपये, सिर्फ 500 रुपीज़ में टैक्सी ऊपर ले आता है। 20 मिनट का रास्ता है, पहाड़ी बहुत ऊपर आना पड़ता है, नीचे आप लोग देख सकते हो दे रहा है, आप लोग देख सकते हो नेरल दिखाई दे रहा है, इतना ऊपर आना पड़ता है पूरा, इतना सब कवर करके। ये देखो रोड कैसा है नीचे, बहुत मस्त है गाइस। तो टिकट ले लिया हमने अभी यहाँ से, यहाँ माथेरन ऊपर जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है, हमें ये पता चला यहाँ आके। और टिकट का प्राइस पर पर्सन 50 रुपीज़ है, ठीक है। तो हम 5 लोग थे, 250 में हो गया, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क का इश्यू था तो कैश भी नहीं था हमारे पास, 1 रुपया भी नहीं था, 120 रुपीज़ कैश था, लेकिन ये प्लास्टिक ले लिया हमने 120 का। पास 30 रुपीज़ में एक बोल रहा था, 150 का 5 बोल रहा था, लेकिन हमने थोड़ा सा मना लिया उसको और 120 में 5 ले लिया। और टिकट लेने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन थोड़ी देर ऐसे फ़ोन उठा उठा के इतना सा एक नेटवर्क आया था और जल्दी जल्दी स्कैन करके हो गया, थैंक गॉड, अच्छा लगा। तो अभी जॉर्न स्टार्ट हो चुका है ऑफिशियली, मज़ा आ रहा है ऊपर जाकर। ये लात मार देंगे ये लोग, पता है हाँ बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम हुई, मेरा चश्मा हो गया इधर ही चलते फिरते, पता नहीं कहाँ ये पहना था मैंने यार, नीचे से रखा था, सारा गिर गया नीचे, अब मिलेगा भी नहीं, कोई और ले गया होगा, मूड खराब हो गया, मूड खराब हो गया।
और यहाँ पर हम चप्पल ले रहे हैं लेकिन यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा। बता रहे हम उनसे बात करके ये बोल रहे हैं कि चप्पल अभी दे दो, हम ऊपर जाके जब नेटवर्क आएगा आपको हम वापस पैसे पे कर देंगे, ऐसा बोला है। दिखते दे रहे वो ऊपर जाके हम कर देंगे क्योंकि हम अच्छे लोग हैं शायद। नहीं है। चलो टॉय ट्रेन स्टेशन है, ये टॉय ट्रेन चलता है अच्छे से। बारिश होने वाली है, जल्दी पहनो हिमांशी, हिमांशी यू कैन डू इट, बारिश आ रही हिमांशी जल्दी। यस यू डिड इट हिमांशी, स्पीकर में पन्नी लगाओ, स्पीकर में जल्दी, स्पीकर में लगाओ, स्पीकर में, बारिश हो गई। Yeah! स्पीकर ऑन है ना, मैं सब चश्मा पहन रहा, मेरा खो गया गाइस, इसके तो लेट्स गो गाइस। बढ़िया माहौल बन रहा है इधर। अरे कूदने जा रहे हो भैया, कूद जाओ, कूद जाओ, मेरा गाना चला तो डीजे वाले गाइस मेरा गाना रियल सुसाइड दिखाई दे रहा है यहां पर अब। तो गाइस ये है टॉय ट्रेन, फाइनल वी रीच माथेरान पर। अब यहाँ पर देखेंगे कहाँ रुकना है, होटल वगैरह ढूंढेंगे। ठीक है, आवाज़ सही से नहीं आ रहा होगा, माइक है नहीं अभी, ऐसा फील हो रहा है कि हम पुराने ज़माने पे आ गए। लड़कियाँ देखो बड़े बड़े हैट पहन घूम रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है आप लड़कियों को दिखाइए तो आप दिखाई नहीं रहे उधर। गाइस फाउंटेन, गाइस जैसे देख सकते हैं ये फाउंटेन है जो आज की सेंचुरी का है, बट ये फाउंटेन आज की सेंचुरी का है लेकिन यहाँ का माहौल एकदम। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं 80s में है हम। वाह गाइस मंकी ईटिंग कुरकुरे चिप्स, बंदर बाप के लिए, वही बाप, वही बाप आ गया, इसको खिलाओ, इसको खिलाओ, ओए भाई दोस्त छोटू, अरे नहीं पढ़ू ये क्या खा रहा है यार। Many hours later, माथेरान आने के बाद हमने एक रूम ले लिया, एक रूम लेने में बहुत मुश्किल है क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी और बारिश में घूम घूम के 6-7 होटल्स हमने देखे, फिर एक थोड़ा अपने बजट के हिसाब से, अपने बजट और लोकेशन भी एरिया बहुत बढ़िया मिला तो हमने ले लिया, बड़ा सा एक रूम था तो वहीं पर हमने रात में स्टे किया, तो मैं वीडियो नहीं कर पाया क्योंकि थक गए थे और आ गए थोड़ी बहुत रेस्ट कर लिया, रात हो गई, रात में फिर पार्टी वार्टी करने लग गया, फिर ज़्यादा वीडियो नहीं बना। अभी सुबह हो चुका है, अब हमें तो होटल रूम से निकलना है, अभी हम यहाँ से निकल के फिर ट्रैकिंग करेंगे अंदर माथेरान के बहुत सारे पॉइंट्स से। अभी तो बस आज रात तो हम स्टे किया है यहाँ पर, घूमे नहीं है यार सही से, तो घूमने जाएंगे आज बहुत सारे पॉइंट्स से, 4-5 पॉइंट्स से सुना था, जाएंगे ट्रैकिंग करते हुए घूमेंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है तो बने रहे वीडियो में। तो इसके अंदर हमारा रूम है इसमें, तो भाई रूम को छोड़ के हम जा रहे हैं। ओके बाय बाय, बहुत गंदगी कर दिया यार रूम में। तो गाइज हम अलग ही गोले के लोग लग रहे हैं, ये देखो बारिश हो रही है इसलिए प्लास्टिक और ये हैट पहनना जरूरी है यहाँ पर, ये चलता है सिस्टम यहाँ पर, ये मिला 30 रुपीज पे सिर्फ ये ऊपर का हैट। तो गाइज अभी जिस पॉइंट पे हम जा रहे हैं वो है खंडाला पॉइंट, खंडाला जैसे लग रहा है, इस तरफ जा रहे हैं खंडाला पॉइंट देखने के लिए, बैकग्राउंड में गाना बजा रहे हैं, ये लोग कॉपीराइट लग जाए यार, मैं टेंशन भी हूँ, कोई बात नहीं, मजे कर रहे तो मजे में ही लेंगे चीजों को। ये सफेद सफेद दिख रहा है, ये बादल है, हम बादल से भी ऊपर आ चुके हैं, इतना ऊपर है हम ऊंचाइयों में, एक्चुअली हम मर चुके हैं। हम स्वर्ग में हैं, आजकल ये टेक्नोलॉजी इतना आ चुके हैं हम स्वर्ग से भी यूट्यूब में लाइव आ सकते हैं। स्पाइडरमैन, और ये मैं बादलों के ऊंचाइयों में और मेरे सामने कोहरा ही कोहरा गाइस, इसके आगे क्या को पैसा बर्बाद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है, अगर आप जाएंगे तो कभी आप वापस नहीं आ पाएंगे। जुनैद तुम्हें अपना काम नहीं भूलना। नहीं नहीं, मकसद जिस मकसद से हम यहाँ पे आए हैं। फातिमा जी, जेबा इस मिशन में पागल हो चुकी है, देखिए एक बार उसको क्या करती है। जेबा के लिए वहाँ पर, जेबा इधर आओ। एसबीडी रोशन रिपोर्टिंग सर, हेलो 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 सर, एसबीडी रोशन चैनल, रोशन शर्मा स्पीकिंग सर, आपका नाम क्या है आप बताना चाहेंगे दुनिया को। सॉरी ये पागल हो चुके हैं, अक्सर यहाँ पर पागल लोग ही आते हैं, ये पागल हो चुके हैं और ये कुछ बता नहीं रहे, पता नहीं क्यों, या तो नशे में होंगे या तो ये पागल होंगे, कूदने जा रहे, मैं बचाना चाहता था लेकिन ये भी बचना नहीं चाहते, तो मैं भाग रहा हूँ यहाँ से।
इस बहुत चलने के बाद मुझे लगता है हम बिग बॉस के घर पे आ चुके हैं। आप क्या कहना चाहते हैं सलमान भाई से मिलने? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अगर ये वीडियो नहीं करना होता तो मैं पर्सनली भी और मजे करता, लेकिन वीडियो करना है, बीच में से थोड़ा मेरा ब्रेक हो रहा है, लेकिन बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बारिश हो रही है, अगर मैं वीडियो नहीं करता तो मैं अम्ब्रेला भी नहीं लेता, और ऐसे ही घूमते भीगते हुए मजा आता है गाइस। जगह आओ, माथेरन आओ, आप लोग भी घूम। गाइस रियल एक हॉन्टेड हाउस जैसा है, देखो यहाँ पर घर जैसा है, लेकिन ये बंद है बहुत टाइम से। ये इसका घर है सोफिया का। अरे डर लग रहा है यार। गाइस चलते हैं एडवेंचर करके। मुगुल भाई भाग चलते हैं यहाँ से। मुगुल भाई मुझे डर लग रहा है बहुत। मुगुल भाई डर लग रहा है। हमने गेट खोल लिया है, हमें हॉरर हाउस के अंदर घुस चुके हैं। तो गाइस हम इस हॉन्टेड हाउस को छोड़ के जा रहे हैं। गाइस 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 मुझे कुछ फील हो रहा है, गाइस मुझे कुछ फील हो रहा है, गाइस मुझे लगता है मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। गाइस अभी हम जहाँ पर आए हैं वो है चार्लेट लेक। वहाँ पर एक डैम है, वहाँ पर बड़ा सा लेक बना हुआ है, उसको बोलते हैं चार्लेट लेक। तो अभी वहाँ पर देखने के लिए जा रहे हैं। उस तरफ बहुत बड़ा खाई है, इस तरफ लेक है, ऐसा कुछ सीन है। ये दिस इज द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर ही वैसे सफेद सफेद दिखाई दे रहा है, नीचे कुछ थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो भाई जमा तो गए घूमने, सब पॉइंट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन हर जगह पर ऐसे फॉग दिखाई दे रहा है। और यहाँ का नज़ारा बहुत बढ़िया है, अगर ये फॉग ना होता तो बहुत कुछ दिखता है यहाँ पे। पहाड़ी वगैरह बहुत खतरनाक है, थोड़ी थोड़ी इधर पहाड़ दिख रही है। टोके कोई मुझे। चलो अब हमारा भाई। इधर देखो, ओए नीचे मचाओ ना, मचाओ पीछे पीछे पीछे, गिरना नहीं है क्या यार। गाइज हमें वहाँ पर भी जाना है, वहाँ पर भी एक स्पॉट है, वहाँ पर हम वहाँ पर भी पहुँचेंगे। पागल हो क्या? हम कल मॉर्निंग में निकले थे और कल शाम को, कल रात को हमने यहाँ पर स्टे किया, और अभी आज हम निकलने वाले थे, और हमने सोचा थोड़ा सा कल घूमे नहीं, हम बस आए और रेस्ट किया और मज़े किया, एंजॉय किया, रूम में बैठ गई, गाना वाना बजाया, डांस वांस किया। तो हमने सोचा कि आज घूम फिर लेते हैं सब जो पॉइंट्स है वो घूमने के बाद, आज शाम को हम निकलेंगे यहाँ से 4:30-5 बजे तक लास्ट निकलेंगे ये सोचा था, लेकिन 6 बजने वाला है गाइस, लेकिन अभी तक हम यहीं पर है। सब घूमने की जगह जो था वो हमने घूम लिया, लेकिन यहाँ पर भी शॉपिंग कर रहे हैं हमारी लड़कियाँ जो है हमारी टीम के, जो वो शॉपिंग कर रही है, हम देख रहे हैं बस, क्योंकि क्या हुआ अभी एंड ऑफ द, हम ट्रेन पे जा रहे हैं, दादर तक जाएंगे ट्रेन में, नहीं नहीं घाटकोपर तक जाएंगे, फिर वहाँ से मेट्रो लेंगे और सुबह निकल लेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर भीग के आए, पूरा गीला गीला है शरीर, हवा आ रहा है पीछे से, तो ठंड लग रही है बहुत, बहुत सीन हो रहा है यहाँ पर। तो भाई जॉर्नी अब एंड हो चुका है, जो माथेरन का हमारा ट्रिप था वो ख़त्म हो गया, अभी हम आ चुके हैं रूम में। बहुत मज़ा किया, बहुत इन्जॉय किया हमने, बहुत सारी चीज़ें हुई मज़ेदार, लेकिन मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत। तो खर्चे की बात मैं करूँ तो उतना ज़्यादा है नहीं, नॉर्मली भी आप ऐसे ही घूम के आ सकते हो, एक बंदे का अगर 1500-2000 तक एक बंदा निकल रहा है तो 2-3 लोग मिलके जा सकते हो, बहुत मज़ा आएगा। तो खर्चा इतना ज़्यादा है नहीं ट्रेन का, सबसे पहले ट्रेन में अगर आप जाओ 20-30 रुपये ट्रेन का हो गया, टैक्सी लेना पड़ेगा वहाँ से, कहीं पे भी हो आप वहाँ से नेरल तक जाना पड़ेगा लोकल में, वो नेरल से लेके वो माथेरन के ऊपर हिल टॉप तक जाना पड़ेगा, एक बंदे का 100 रुपये लगेगा। हम 5 लोग थे इसलिए हमारा 500 रुपये लगा। टिकट का रहेगा एक बंदे का 50 रुपीज़, 50 रुपये लगेगा टिकट का ऊपर चढ़ने, मतलब अंदर जाने का माथेरन के अंदर। बस इतना ही, और कुछ है नहीं अंदर। फिर रूम का आपको 500 से स्टार्टिंग है, रूम एक रूम 500 से स्टार्ट है, अच्छा खासा रूम 500 में आपको मिल जाएगा। खाना का थोड़ा सा महंगा है, लेकिन आप कुछ लेके जाओगे बनाओगे तो वो अलग बात है, लेकिन खाने तो बाहर ही खाना पड़ेगा ज़्यादातर, लेकिन फिर भी खाने का आप देख लो, थोड़ा सा महंगा है लेकिन चलेगा उतने में। लेकिन 1500 to 2000 अगर एक बंदे के पास है तो अच्छे से हो जाएगा। तो गाइस आज का वीडियो बस यहीं पर रैप अप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। ओके बाय।